जोहार जन आशीर्वाद के दूसरे चरण में रघुवर दास ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ कोल्हान में ताबड़तोड़ सभाएं की। अपनी चुनावी यात्रा के दौरान रघुवर दास ने विपक्षियों पर जमकर हमले बोले। उन्होंने कहा कि देश को गांधी परिवार ने और झारखंड को सोरेन परिवार ने लूटा। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का भी जमकर बखान किया। रघुवर दास मुख्यमंत्री झारखंड इन दिनों चुनावी सभाओं में पूरी तरह से मशगूल होते नजर आ रहे हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी हुआ नहीं है, तारीखें क्या होंगी चुनावों को लेकर इनका ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन अब सभाओं का दौर जारी है। और खासतौर पर बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक रुख अपनाए हुए है। 65 पार का इस बार आंकड़ा रखा है, पिछली बार 37 सीटें थी लेकिन इस बार 65 पार का आंकड़ा, जो कि बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी आंकड़ा नजर आता है। लेकिन सरकार पूरी तरह से, या फिर यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। उनका कहना है कि बहुत सी ऐसे स्कीमें, बहुत सी ऐसी योजनाओं की शुरुआत हुई है जिनके बलबूते ये कहना गलत नहीं होगा कि सूबे में बीजेपी 65 पार करेगी।